मोदी सरकार में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिमों को लेकर अजीबोगरीब बयान दे दिया। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे पता है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, लेकिन क्या हमारी सरकार उन्हें उचित सुविधा नहीं दे रही। उन्होंने कहा पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के विधायक अभियान चलाया जा रहा है, बावजूद इसके हमें जनता का आशीर्वाद मिला है, जनता ने हमारा साथ दिया है, देश के 15 राज्यों में हमारी सरकार है, 13 राज्यों में हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और हम लोग देश की सत्ता भी संभाल रहे हैं। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है और हम इसका सम्मान करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा इस दौरान मुस्लिम मतों को लेकर, वो भी जरा सुन लेते हैं। We are ruling 15 states on our own. We have got 13 chief ministers. We are ruling the country. Have we victimized any Muslim gentleman working in industry or in service? Have we dismissed them? We don't get Muslim votes, I got it very clearly. But have we given them proper sanctity or not? We are ruling 15 states on our own. We have got 13 chief ministers. We are ruling the country. Have we victimized any Muslim gentleman working in industry or in service?